नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज और मैं हूं आपके साथ श्रुति। रुक करते हैं उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस का। उत्तर प्रदेश की राज्यसभा की खाली हुई दो सीटों के लिए बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। बीजेपी ने सुरेंद्र सिंह नागर और संजय सेठ को अपना उम्मीदवार बनाया है। सुरेंद्र सिंह नागर समाजवादी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं। नागर दो बार सांसद रह चुके हैं। बीजेपी ने उन्हें राज्यसभा में भेजने का फैसला लिया है। वहीं संजय सेठ की बात करें तो वो भी समाजवादी पार्टी में थे, एसपी के कोषाध्यक्ष रह चुके हैं। संजय सेठ हाल ही में बीजेपी का दामन थामा है। 10 अगस्त को एसपी छोड़कर सुरेंद्र सिंह नागर और संजय सेठ बीजेपी में शामिल हुए। ग्रेटर नोएडा में चल रहे यूनाइटेड नेशन ग्लोबल कन्वेंशन की सुरक्षा में तैनात एक पीएसी जवान से लापरवाही में गोली चल गई। आपको बता दें कि ड्यूटी के बाद गन चेंज करने के दौरान गन का ट्रिगर दब गया और एक सिपाही राजवीर सिंह को गोली लग गई। गोली लगने से सिपाही राजवीर सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आला अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर घायल की तबीयत के बारे में जानकारी ली। ये घटना उस वक्त की हुई जब पीएससी के 49 बटालियन के जवान राजवीर सिंह ड्यूटी चेंज कर रहे थे। उसी दौरान पीएससी के उनके साथी जवान से लापरवाही के चलते ट्रिगर दब गया और दूसरे जवान को गोली लग गई। घायल सिपाही की तैनाती परी चौक पर थी। डॉक्टर ने बताया कि जवान खतरे से बाहर है। उन्हें कई जगह गोली के छर्रे लगे हैं। उनका उपचार चल रहा है, उनका ऑपरेशन किया जाएगा। खबर चंबल से है, संभल है, जहां चंदौसी में गणेश आरती में बदायूं के सदर विधायक और प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री महेश चंद्र गुप्ता शामिल हुए। इस अवसर पर राज्य मंत्री ने कहा कि ये मेला प्रदेश भर में बहुत प्रचलित मेला है और गणेश बाबा की कृपा से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने मुझे सरकार में मंत्री बनाकर जो जिम्मेदारी सौंपी है उसे मैं पूरा ईमानदारी और लगन से निभाऊंगा। खबर पीलीभीत से है, जहां इलाज के लिए जिला अस्पताल आई महिला से छेड़खानी करना युवक को भारी पड़ गया। छेड़छाड़ के आरोपी की महिला ने जमकर चप्पलों से पिटाई कर दी। वहीं किसी ने पिटाई का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। मामला कुछ यूं हुआ कि पीलीभीत जिला अस्पताल में डॉक्टर को दिखाने के लिए मरीजों की लंबी लाइन लगी थी। तभी उसी दौरान लाइन में खड़ी एक महिला अपने पीछे खड़े युवक पर अचानक आग बबूला हो गई। महिला ने युवक को पीटना शुरू कर दिया। महिला ने आरोप लगाते हुए बताया कि पीछे खड़ा युवक मुझसे छेड़खानी कर रहा है। जब महिला हिम्मत जुटाते हुए युवक पर हमलावर हुई तो पास में खड़ी भीड़ भी युवक पर हमलावर हुई, लेकिन आरोपी युवक मौका देखकर भीड़ से बचकर भाग गया। खबर आगरा जिले से है, जहां मध्य प्रदेश पुलिस ने थाना रकाबगंज के छिपी टोला में एक घर में छापा मारा और पुलिस ने पूछताछ के लिए दो लोगों को हिरासत में ले लिया। वे परिजनों का आरोप है कि मध्य प्रदेश पुलिस ने घर के दरवाजे तोड़कर महिलाओं से बदतमीजी की है। लोगों ने इस घटना की जानकारी थाना रकाबगंज पुलिस को दी। थाना रकाबगंज पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट में होने वाले कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज की शुरुआत हो गई है। 2 से 13 सितंबर तक चलने वाले इस कॉन्फ्रेंस में 197 देशों के राजनयिक हिस्सा लेंगे। कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज का मुख्य उद्देश्य जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता को हो रहे नुकसान, बढ़ते मरुस्थल जैसे विश्व के गंभीर समस्याओं पर चिंतन और मनन करना है। कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज की शुरुआत करते हुए केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि इस चुनौती से निपटने के लिए तकनीक और मजबूत इरादों के साथ प्रयास करने की अहम जरूरत है। अयोध्या पहुंचे प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने प्रदेश में लागू हुए संशोधित एमवी एक्ट के विरोध पर सरकार की तरह से सफाई की। उन्होंने कहा कि एमवी एक्ट केंद्र सरकार का भूतल परिवहन लागू करता है, लेकिन जो भी समस्याएं आ रही हैं, जो दिक्कतें आम जनता को हो रही हैं, उसके लिए भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के सामने इन समस्याओं को रखा जाएगा। अगर एमवी एक्ट में भी दिक्कत है तो उसमें भी संशोधन कराया जाएगा। वहीं मिर्जापुर में मिड डे मील में लापरवाही को लेकर पत्रकार के ऊपर दर्ज हुए मुकदमे पर पूर्व मंत्री अखिलेश यादव के ट्वीट पर सतीश द्विवेदी ने कहा कि प्रदेश के दोनों मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और मायावती के पास कोई काम नहीं है, दोनों बेरोजगार हो गए। हाईकोर्ट के आदेश का पालन बांदा पुलिस सख्ती से कर रही है, जहां सदर कोतवाली क्षेत्र में गणेश पंडालों में जबरन डीजे बजाने की कोशिश कर रहे 30 डीजे संचालकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वहीं पुलिस ने सभी का शांति भंग में चालान किया, जिसके बाद मजिस्ट्रेट ने निजी मुचलके पर सभी को छोड़ दिया। पुलिस ने बताया कि ये सभी डीजे एंड लाइट यूनियन के लोग थे और गणेश पंडालों पर बिजली सजावट के साथ जबरन डीजे बजवाने का दबाव डाल रहे थे, जिसके बाद इनका चालान किया गया। बहराइच जिले के रुपेडिया थाना क्षेत्र के बाबागंज इलाके में हुई युवती की हत्या का पुलिस ने खुलासा किया है। वहीं हत्या के मामले में मृतका के भाई को गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि मृतका का जीजा के भाई से प्रेम संबंध था।
इसके चलते भाई ने अपनी बहन की गला रेत कर हत्या कर दी। वही एसपी ने बताया कि प्रेम संबंध के चलते युवती की हत्या की गई थी, जिसके बाद मृतका के भाई को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी मुकदमा दर्ज कर जेल भेजा गया। बच्चा चोरी के आरोप में पिटाई का मामला उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ता जा रहा है। बीते कई दिनों के भीतर यूपी के कई जिलों में बच्चा चोरी के आरोप में लोगों की भीड़ द्वारा बर्बरता पूर्वक पिटाई के वीडियो सामने आए हैं। ताजा मामला एक बार फिर मुरादाबाद के ठाकुरद्वारा कोतवाली क्षेत्र की नई बस्ती में सामने आया है, जहां दो युवकों को पकड़कर बच्चा चोरी के शक में भीड़ ने जमकर पीटा। सूचना पाकर मौके पर पहुंची डायल 100 पुलिस ने दो युवकों को भीड़ से किसी तरह आजाद कराया। पुलिस के सामने भी आक्रोशित भीड़ अपने हाथ साफ करती नजर आई। चोरी की अफवाह पर लगाम लगाने के लिए पुलिस चाहे जितने भी प्रयास कर रही हो, लेकिन बच्चा चोरी की अफवाहों पर लगाम नहीं लग पा रही। फतेहपुर जिले के खकरेरू थाना क्षेत्र के कोट गांव में एक अधेड़ को बच्चा चोर समझकर ग्रामीणों ने जमकर पीटा। मौके पर पहुंची पुलिस ने अधेड़ की ग्रामीणों के चंगुल से छुड़वाया। पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि अधेड़ को पीटने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। खबर रायबरेली से, जहां चौकी क्षेत्र के ग्राम सभा फागुपुर में दोपहर करीब 12 बजे बच्चा चोर समझकर एक विक्षिप्त युवक को ग्रामीणों ने पकड़ लिया। इसके बाद उसकी जमकर पिटाई की। सूचना मिलने पर चौकी प्रभारी ब्रजपाल सिंह मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों के चंगुल से उसे छुड़ाया। मारपीट में युवक घायल हो गया था, इसलिए उसे इलाज के लिए DACHC भेजा। चौकी इंचार्ज ने बताया कि पूछताछ में युवक ने अपना नाम महफूज पुत्र मोहम्मद शहीद निवासी मारूफपुर थाना बलुआ जिला चंदौली बताया। मारूफपुर चौकी इंचार्ज व युवक के परिवार जनों से बात हुई है, उन्हें सूचित कर दिया गया है। गांव के आधा दर्जन लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। खबर औरैया से है, जहां पुलिया की टूटी रेलिंग के कारण नहर में गिरकर छात्रा की मौत के बाद भी कार्रवाई न होना सोमवार को बड़ा मुद्दा बन गया। सरकारी अनदेखी से नाराज ग्रामीणों और विद्यार्थियों की भीड़ ने सुबह 7 बजे से ग्राम राहतपुर की नजदीकी पुलिया पर जाम लगा दिया। रेलिंग के साथ पुलिया ने पुनर्निर्माण की मांग उठाई। मौके पर पहुंचे अफसरों ने संतोषजनक जवाब न मिलने पर गुस्साई भीड़ ने पुलिया की खुदाई शुरू कर दी। वही औरैया जनपद के एक उच्चाधिकारी ने आक्रोशित भीड़ में एक युवक की कॉलर पकड़ ली, जिससे आक्रोशित भीड़ भड़क गई। इसके चलते एक प्रशासनिक अधिकारी स्वयं की गलती के चलते उग्र भीड़ के गुस्से के शिकार, यानी मॉब लिंचिंग जैसी एक बड़ी घटना होते होते टल गई। वही युवक की आवाज को दबाने के लिए हुक्मरानों की तरह चीखे व कॉलर पकड़कर शांत रहने की हिदायत दी। यही नहीं बल्कि जेल में डालने की बात कहते हुए जीप में ले जाने का आदेश भी दे दिया। नोकझोंक के बीच SDM और CO करीब 4 घंटे बाद लोगों को शांत कराने में कामयाब हो सके। मुहर्रम को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। इस मौके पर रखे जाने वाले ताजियों को बनाने वाले कारीगर अब उनको आखिरी टच देते हुए नजर आ रहे हैं। लखीमपुर खीरी के जिला मुख्यालय में सटा कस्बा खीरी ताजिया बनाने का केंद्र बनकर उभर रहा है। यहां से बने हुए ताजिये आसपास के जनपदों सहित पड़ोसी राष्ट्र नेपाल तक जाते हैं। तमाम अव्यवस्थाओं के बीच खीरी के सैकड़ों लोग ताजिया बनाने के इस कारोबार में लगे हुए हैं। पूरा परिवार वर्ष भर ताजियों को तैयार करते हैं। यहाँ के ताजिये अपनी मजबूती और खूबसूरती को लेकर दूर दूर तक मशहूर हैं। संसद में भले ही 3 तलाक के खिलाफ कानून बन गया हो, लेकिन लोगों में इसका भय अभी नजर नहीं आ रहा। ताजा मामला मिर्जापुर के देहात कोतवाली का है। जिले में 3 तलाक का पहला मामला देहात कोतवाली थाने में दर्ज हुआ है। पति ने मोबाइल फोन पर पत्नी को 3 तलाक दिया। 2010 में पीड़िता की शादी जौनपुर के लियाकत अली से हुई थी। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू की। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले में सोमवार को तेंदुए की दहशत बनी रही। पहले एक तेंदुए का शावक भटक कर गांव में आ गया। हालांकि गांव के कुत्तों से जान बचाने में उसकी मौत हो गई। वहीं देर रात दूसरा तेंदुआ मासूम बच्ची को निवाला बनाकर भाग निकला। ग्रामीणों ने पुलिस और वन विभाग की टीम की घेराबंदी कर समस्या के स्थायी समाधान की मांग की। पूरे गांव में दहशत बनी हुई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्राथमिकता के कार्यक्रम संचारी रोग नियंत्रण अभियान के 3रे चरण की शुरुआत हुई। वही बिजनौर में जागरूकता रैली से की गई। DM रमाकांत पांडे ने संचारी रोग नियंत्रण के लिए शपथ दिलाकर और हरी झंडी दिखाकर जागरूकता रैली को रवाना किया। DM ने संचारी रोगों की दृष्टि से सितंबर माह को संवेदनशील बताया। आपको बता दें 2 सितंबर से 30 सितंबर तक चलने वाले संचारी रोग नियंत्रण अभियान की शुरुआत बिजनौर में कलेक्ट्रेट से की गई। वही रैली में DMO डॉक्टर विजय कुमार यादव, DMO ब्रजभूषण सहित स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। हरदोई जिले में प्रशासन की लापरवाही और उदासीनता ने दिव्यांगों के लिए खरीदी गई ट्राई साइकिल कबाड़ में तब्दील होने की कगार पर पड़ी है। दरअसल प्रशासन ने दिव्यांगों के लिए लाखों रुपए की ट्राई साइकिल खरीदी, जो इस समय
पीजी कॉलेज के प्रांगण में रखे हुए जंग खाकर कबाड़ में तब्दील हो रही है। साथ ही मामले में कोई भी अधिकारी बोलने को तैयार नहीं है। आपको बता दें, ये ट्राईसाइकिल 31 मार्च से पहले जिले के दिव्यांगों को विशेष योग्यजन शिविर लगाकर वितरित होनी थी, लेकिन अब तक ये नहीं हो पाया। साथ ही उन्हें सुरक्षित रखने का कोई इंतजाम भी नहीं है। खबर सीतापुर जिले से है, जहां नाबालिग छात्रा के साथ हुई संदिग्ध परिस्थितियों में रहस्यमयी घटना का सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां खून से लथपथ अपने ही घर के बाहर नाबालिग छात्रा पड़ी मिली। वहीं जानकारी मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर छात्रा को आनंद फानन में जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां गंभीर हालत देखते हुए उसे ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया गया। हालांकि अभी तक घटना का खुलासा नहीं हो सका है। आपको बता दें, पूरा मामला यूपी के सीतापुर शहर कोतवाली क्षेत्र के शीश महल कॉलोनी का है, जहां पर संदिग्ध परिस्थितियों में अपने ही घर के बाहर कक्षा 8 की 13 वर्षीय नाबालिग छात्रा खून से लथपथ हालत में पड़ी मिली। वहीं मामले में पुलिस का कहना है कि परिजन अभी घटना के बारे में कुछ भी बताने की हालत में नहीं है, लेकिन छात्रा के गले पर चाकू से कटे के निशान हैं। जांच की जा रही है, ताकि जांच में जो भी तथ्य निकल कर सामने आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। जमालपुर विकास खंड के सेवर प्राथमिक विद्यालय में मिड डे मील में बच्चों को नमक रोटी खिलाने का प्रकरण पर सुनवाई हुई। इसके चलते हरौरा थाने में डीएम अनुराग पटेल के निर्देश पर खंड शिक्षा अधिकारी ने स्थानीय पत्रकार और सीवर गांव के रहने वाले राजकुमार के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। साथ ही पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इसमें एक आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। वही पत्रकार ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर खुद को बेकसूर बताया। डॉक्टर को धरती का भगवान कहा जाता है, लेकिन अगर डॉक्टर ही आपको गुमराह करे तो यहाँ ऐसी घटना पीलीभीत से सामने आई, जहां एक गर्भवती महिला गर्भगृह पर रहे बच्चे का अल्ट्रासाउंड कराने गई तो डॉक्टर ने उस बच्चे को मृत घोषित कर दिया। अपनी तसल्ली के लिए जब उसने दूसरी जगह अल्ट्रासाउंड कराया तो बच्चा गर्भ में स्वस्थ था। इस बात से नाराज महिला ने डॉक्टर की शिकायत सीएम पोर्टल से लेकर डीएम व स्वास्थ्य विभाग से की, जिसके बाद डीएम ने जांच के आदेश दिए। एटा में कार सवारों की गुंडई सामने आई है। बीजेपी पार्टी का झंडा लगा कर कार में सवार लोगों ने बाइक सवार को जमकर पीटा। बाइक सवार का कसूर इतना बड़ा था कि गाड़ी को बैक कर रहे भाजपा नेता को टोक दिया। इतनी सी बात पर कार सवारों ने युवक की पिटाई कर दी। स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया और एक शख्स को मौके से गिरफ्तार कर लिया। बाकी कार सवार 7 लोग मौके से फरार हो गए। पूरा मामला थाना कोतवाली नगर क्षेत्र के ठंडी सड़क इलाके की घटना है। ग्रेटर नोएडा में स्थित ओप्पो कंपनी के सिक्योरिटी गार्ड की हत्या करने के मामले में सजा काट रहे आरोपी जिला प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए एनएसए लगाया है। इससे पहले भी इसी हत्याकांड में शामिल अन्य आरोपियों पर एनएसए के तहत कार्रवाई की जा चुकी है। इस हत्याकांड में 5 लोग शामिल बताए जा रहे हैं, जिनमें से 3 लोगों ने गाड़ी से गार्ड की हत्या की थी। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि बाकी बचे 2 और आरोपियों की जांच की जा रही है। उनका आपराधिक इतिहास क्या है, इसके अलावा जेल में उनका व्यवहार किस तरह का है, इसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। ग्रेटर नोएडा के इंटर कॉलेज में पढ़ने वाले एक स्टूडेंट ने अपने साथियों के साथ मिलकर अपने टीचर को न सिर्फ किडनैप किया बल्कि उसको जंगल में ले जाकर मारपीट करने के बाद उनसे 13,000 रुपए लूट लिए। दरअसल स्टूडेंट कासना कस्बे में स्थित एक इंटर कॉलेज में पढ़ता है और आए दिन मोबाइल लेकर कॉलेज आता था। उसके टीचर के मना करने पर भी नहीं माना तो टीचर ने उसका मोबाइल जब्त कर लिया और इसी बात से नाराज स्टूडेंट ने अपने साथियों के साथ इस घटना को अंजाम दिया। इसके बाद थाना साइट 5 पुलिस ने किडनैपर स्टूडेंट को गिरफ्तार कर टीचर का मोबाइल व लूटी गई रकम बरामद की। साथ ही पुलिस ने आरोपित को कोर्ट में पेश किया।